अगर आप बिगनर हैं, ब्लॉगिंग स्टार्ट किए हैं, तो आज मैं आपको बताऊंगा ब्लॉग वेबसाइट को वायरल कैसे करते हैं। 100% फ्री ट्रिक आपके साथ शेयर करूंगा विद लाइव एग्जांपल के साथ, क्योंकि मेरे पास सबसे ज़्यादा कमेंट आता है ब्लॉग पोस्ट को वायरल कैसे करते हैं या फिर ब्लॉग कंटेंट को वायरल कैसे करते हैं, अपनी वेबसाइट पर ज़्यादा से ज़्यादा ट्राफिक कैसे ला सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा सर्चेबल टॉपिक पे आपको कैसे काम करना है या फिर सर्चेबल कीवर्ड आपको कैसे फाइंड करना है, जिससे आपकी वेबसाइट पर ज़्यादा से ज़्यादा ट्राफिक आए और आप गूगल एडसेंस से अधिक पैसा कमा पाएँ। अगर आप अपनी वेबसाइट पर गूगल एडसेंस के ऐड लगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हैं, लाइक बहुत ऐसे यूज़र होते हैं जो ब्लॉगिंग करते हैं, उनकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आती है बट गूगल एडसेंस से अर्निंग नहीं हो पाता है, या फिर जानना चाहते हैं बिगिनर है कि क्या अर्निंग होता है, कितने पेज व्यू पे, तो अभी फिलहाल सीपीसी बहुत ही डाउन चल रहा है और इस मंथ का डाटा आपके साथ शेयर करूंगा। दिस मंथ यहाँ पर क्लिक कर दिया, आप देख सकते हो और मेरे पास ट्रैफिक आ रहा है बट यहाँ पर सीपीसी बहुत ही डाउन है। 152,000 पेज व्यू हुआ है, आप देख सकते हो इस मंथ का 1 जनवरी से 11 जनवरी का, और $412 हुए हैं और इसका एवरेज आप देख सकते हो डेली का $40 $45 का एवरेज है। 18,000 पेज व्यू पे यहाँ पर $48 बने, तो एक एवरेज आप देख सकते हो यहाँ पर। बट आप ब्लॉगिंग करते हैं, कंटेंट लिख के जाते हैं, आपकी वेबसाइट पर ट्राफिक नहीं आते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको ट्राफिक फाइंड करना है और कैसे आप सर्चेबल टॉपिक पे काम करके अपनी वेबसाइट को वायरल कर सकते हैं और गूगल में सर्च से ऑर्गेनिक ट्राफिक ला सकते हैं। फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं ब्लॉग पोस्ट को वायरल कैसे करते हैं या फिर ब्लॉग वेबसाइट को वायरल कैसे करते हैं। अगर आप कंटेंट वायरल कराना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको बताऊंगा सर्चेबल टॉपिक कैसे फाइंड करना है या फिर सर्चेबल कीवर्ड पे आपको कैसे काम करना है। ठीक है, मेरे पास एक वेबसाइट है, आप देख सकते हो इस वेबसाइट पे, वेबसाइट के डैशबोर्ड में हूँ अभी, लास्ट 7 डे का डाटा मैं शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पर टोटल क्लिक 30,000 आए हैं और टोटल इंप्रेशन 1.3 मिलियन का है, और कौन सा कीवर्ड है अभी मैं आपके साथ शेयर करूंगा और कौन सी वेबसाइट है आपको पता ही चल गया होगा। बट आपको पता होगा ब्लॉगिंग फील्ड में मेरे पास मल्टीपल वेबसाइट है, और यहाँ पर अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं या फिर वीडियो देखते हैं तो आपको पता होगा डेली वीडियो अपलोड नहीं कर पाता हूँ। इसके पीछे का रीज़न क्या है, मैं ब्लॉगिंग करता हूँ, मल्टीपल वेबसाइट है, मैनेज करना थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, तो ब्लॉगिंग करता हूँ इसलिए मैं आपको ब्लॉगिंग सिखा रहा हूँ। अभी देख सकते हो जो कीवर्ड है, ये जितने भी कीवर्ड पे हमने काम किया ये सारे सर्चेबल कीवर्ड है, और लाइक अभी टोटल पोस्ट देखेंगे यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ ऑल पोस्ट करके, डेली कंटेंट लिख के जाते हैं और यहाँ पर अभी मूवी से रिलेटेड, पहले हेल्थ इंश्योरेंस या फिर कोरोना या फिर जॉब से रिलेटेड, जो smartkhapri.com मेरी वेबसाइट है, यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें मल्टीपल कंटेंट लिखते हैं जॉब से रिलेटेड, बट जो वेबसाइट वायरल हुआ है या फिर जो कंटेंट वायरल हुए हैं यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, जिससे कि आपको बेस्ट आइडिया मिले और आप भी अपना कंटेंट वायरल करा सकते हैं अपना। अगर मैं लास्ट यहाँ पर क्लिक करता हूँ 90 दिन का, आप देख सकते हो 4.2 मिलियन का इंप्रेशन है, और वेबसाइट पहले ट्रैफिक नहीं आ रहा था, बीच में उठा फिर डाउन हुआ, अभी देख सकते हो एवरेज अभी यहाँ से इस 7 डे में आप देख सकते हो ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि ये मूवी से रिलेटेड हमने कंटेंट डाला है जनवरी में और ये रैंक कर रहे हैं। ठीक है, लास्ट 28 डे में हम कर देते हैं 2.7 मिलियन का इंप्रेशन आया, और ये देख सकते हो कैसे बढ़ रहा है, और ये सारे कीवर्ड है आपके सामने, ये सारे कीवर्ड शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आप अपनी वेबसाइट को वायरल करना चाहते हैं, कंटेंट को वायरल करना चाहते हैं, तो कीवर्ड रिसर्च करना होगा। कीवर्ड रिसर्च करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टूल मेरे पास ओपन है एचरफ टूल, और यहाँ पर एक्सेस करता हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा सर्चेबल टॉपिक क्या होता है, कौन सा सर्च किया जा रहा है, तो आप अपने कैटेगरी के हिसाब से कर सकते हैं। फिलहाल मैं अभी मेरे पास जो वेबसाइट है इसका ही एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि ये सारे कीवर्ड है, ये सारे कीवर्ड सर्चेबल कीवर्ड है, और इसलिए इस वेबसाइट पर ट्रैफिक बूस्ट हुआ है। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर वेट कीजिए थोड़ा सा, और यहाँ पर कीवर्ड एक्सप्लोर पे क्लिक करते हैं, फिर मैं आपको बताऊँगा सर्चेबल कीवर्ड कैसे आप फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो आपको कीवर्ड रिसर्च करना होगा, तभी आपको बेस्ट आइडिया मिलेगा और आप गूगल एडसेंस से अनलिमिटेड पैसे कमा सकते हैं, ट्रैफिक आएगा। तो अभी इस वेबसाइट पर डे 10,000 से ज़्यादा पेज व्यू आ रहे हैं गूगल एडसेंस में। देखिए सर्चेबल कीवर्ड, यानी कि यहाँ पर जो इस कीवर्ड को हमने सर्च किया है एच डी मूवी एरिया करके है, और यहाँ पर कीवर्ड डिफिकल्टी 2 है, और टॉप 10 में रैंक कराने के लिए हमें 3 बैकलिंक चाहिए। अब सर्चेबल यहाँ पर सर्च वैल्यूम आप देख सकते हो 3,10,000 है, ट्रैफिक पोटेंशियल आप देख सकते हो 1.1 मिलियन का है, जो कि ये वेबसाइट पर, और यहाँ पर आप देख सकते हो ये सर्चेबल ये कैसे बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है, अभी स्टार्टिंग इसका इंक्रीज हो रहा है। तो आप इस कीवर्ड पे देख सकते हैं कौन कौन सी वेबसाइटें रैंक है
और नीचे आप काम कर सकते हैं। लाइक अभी आप देख सकते हो हिंदी सहायता, ये वेबसाइट रैंक है और इनका DAPA देख सकते हो बहुत ही हाई है। अब 0 बैकलिंक्स पे ये वेबसाइट रैंक है और 9000 के करीब में यहाँ पर इस वेबसाइट पर ट्राफिक आ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हो इसके अंदर भी आप देख सकते हो ब्लॉग लिखे गए हैं, निबंध है, शिक्षा है, ज्ञान कोश, स्वस्थ, तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कीवर्ड आपको मिल जाएंगे। अब कीवर्ड आपको फाइंड करना बहुत ही आसान है, ये सर्चेबल कीवर्ड है और यहाँ पर मैचिंग टर्न पे अगर आप क्लिक करेंगे, और भी मैं आपको कीवर्ड शेयर कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये रिलेटेड कीवर्ड दिखा रहे हैं, कीवर्ड आइडिया। मैं अपनी दूसरी वेबसाइट को यहाँ पर चेक करता हूँ, लाइक दूसरी वेबसाइट बोल रहे हैं दूसरा कीवर्ड MP4 मूवीज, तो इस कीवर्ड को हम कॉपी करते हैं। ये सारे आप काम कर सकते हो, अभी भी आप इस कीवर्ड पे लिख करके रैंक करा सकते हो, क्योंकि मूवी के जो कीवर्ड होते हैं अप एंड डाउन होते रहते हैं, वेबसाइट अप एंड डाउन होता है, तो आप चाहो तो काम कर सकते हो। लाइक मैं काम करके ट्रैफिक लाया हूँ बस टेस्ट करने के लिए, ताकि मैं वीडियो बना पाऊँ और जो मेरा एक्सपीरियंस है आपके साथ शेयर कर पाऊँ कि आप भी रैंक करा सकते हो। अब देख सकते हो यहाँ पर कीवर्ड डिफिकल्टी यहाँ पर 12 है और इस कीवर्ड पर आप देख सकते हो 2 मिलियन का सर्च वैल्यू। में यहाँ पर मैं जाता हूँ, लाइक टॉप 10 में जो वेबसाइटें आती हैं वो भी मैं आपको शेयर कर देता हूँ। अब यहाँ पर न्यूज जानकारी देखिए यहाँ पर, ठीक है, ये सारे वेबसाइट रैंक है किसी में, तो ये कीवर्ड सर्च वैल्यू ट्रेंडिंग टॉपिक आप एक टू आप गूगल ट्रेंड से टॉपिक फाइंड कर सकते हैं, सर्चेबल टॉपिक वहाँ से गूगल ट्रेंड आपको लिख करके सर्च कर लेना और आपको मिल जाएंगे इसके ऊपर ट्यूटोरियल। लेकिन अभी जो ट्रेंड इसका बहुत ही ज़्यादा मूवी कीवर्ड का बहुत ही ज़्यादा चल रहा है और मैं देखा हूँ काफ़ी ब्लॉगर जो है कि इस कीवर्ड पे काम करते हैं, बट आपको डाउनलोडिंग नहीं बताना, नहीं तो आपके लिए प्रॉब्लम आ सकते हैं। आपको डाउनलोडिंग के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताना है, आपको दूसरे का कॉन्टेंट पढ़ लेना है किस तरह से कॉन्टेंट लिखे गए हैं, और आप एक डिस्क्लेमर देके आप अपनी वेबसाइट पर दे सकते हैं कंटेंट और अनलिमिटेड ट्रैफिक ला सकते हैं। लाइक अपना पोस्ट वायरल करा सकते हैं, अपनी वेबसाइट को वायरल करा सकते हैं। लाइक अगर मैं ये जो कीवर्ड है अगर मैं सर्च करूं गूगल में यहां पर टाइप करके 2022, तो आप देखो वेबसाइट रैंक हो जाएगा फर्स्ट, सेकेंड पे नहीं आया, अभी पहले फर्स्ट पे आ रहा था, तो अभी ये थोड़ा सा डाउन जा रहा है। यहां पर अगर 2022 करूं, ओके, ये कीवर्ड पर नहीं आएगा, यहाँ पर एक भी सर्च वैल्यू कोई नहीं है। ठीक है, अभी सेकंड कीवर्ड को यहाँ पर वेबसाइट के डैशबोर्ड में जाते हैं। ये जितने भी कीवर्ड लिस्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, लाइक यहाँ पर देखो ये सारे कीवर्ड पे आप काम कर लेना। मैं एक और वीडियो में अपने शेयर किया था जो कि वेब करो चैनल पर, आप मुझे भी फॉलो किए होंगे तो आपको पता होगा। इसकी एक्चुअली वीडियो शेयर करने के बाद से कोई काम नहीं करता, इग्नोर कर देता है। अभी देखो यहाँ पर जो कीवर्ड शेयर किए थे, इस कीवर्ड पर कंपटीशन 1 है और 1.1 मिलियन का सर्च वैल्यू। मैं यहाँ पर देखो, मैं आपको ओवरव्यू करके दिखा देता हूँ। अब देख सकते हो यहाँ पर कीवर्ड डिफिकल्टी 0 है, तो ये एक वायरल कंटेंट है और 1.1 मिलियन का सर्च वैल्यू में, ये देखो कैसे ट्रेंड जा रहा है। तो इसका मंथली आप देख सकते हो जुलाई में, अगस्त, सितंबर का ये डाटा शो हो रहा है, 1 मिलियन सर्च किए गए थे। तो आप चाहो तो इस कीवर्ड पे भी काम कर सकते हो, और टॉप 10 में आपको सिर्फ 2 बैकलिंक चाहिए, आप रैंक करा सकते हो। लाइक ये जो वेबसाइट है रैंक करा करके काम कर रही है, आप चाहो तो आप भी काम कर सकते हो इस कीवर्ड पर। तो ऐसे कंटेंट को वायरल करते, देखो ये फर्स्ट नंबर पे आ रहे हैं, ये टॉप की जो वेबसाइट है, ये जो ये लिखा है ये, और यहाँ पर जो दिखा रहा है 3,97,988 यहाँ पर, और इसका डोमेन रेटिंग आप देखो, डोमेन रेटिंग, URL रेटिंग आप देख सकते हो 2 का है डोमेन रेटिंग, और URL रेटिंग 5 का है। केवल 1 बैकलिंक्स पे इतना ट्रैफिक ले रहा है सिर्फ ये वेबसाइट, आप देख सकते हो, और हिंदी में कंटेंट लिखे गए हैं। लाइक आप देख सकते हो एडवर्टाइजमेंट भी यहाँ पर आ रहे हैं, गूगल एडसेंस के ऐड लगे हैं। तो आप एक आइडिया मिल गया होगा कैसे ले रहे हैं। अगर मैं बात करूं इस वेबसाइट पर थीम की, तो न्यूज़पेपर थीम यूज किया गया है, देखो। तो ये एक ब्लॉग, जिसका भी ब्लॉग है क्रेडिट उसको जाता है, और इसका ब्लॉग वायरल हो गया है, सिंपल सा ब्लॉग है, न्यूज़पेपर थीम है आई थिंक, मेरे हिसाब से। अगर मैं यहाँ पर सर्च करूँ इसका डाटा एनालाइज करूँ, तो मैं आपको दिखाता हूँ। वीडियो इंटरेस्टिंग है, देखते रहना अगर आप ब्लॉगिंग सीखते हो तो,
देखो यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग है कैसे कैसे लोग ब्लॉग लिख करके, ब्लॉग पोस्ट लिख करके अपने ब्लॉग कंटेंट को वायरल कर रहे हैं या फिर अपनी वेबसाइट को वायरल कर रहे हैं। URL रेटिंग 23 है, डोमेन रेटिंग 2.8 है, बैकलिंक्स टोटल 164 है और ऑर्गेनिक कीवर्ड ये है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक 1.5 मिलियन का दिखा रहे हैं। ये वेबसाइट कैसे ग्रो हुआ है यहाँ पर देख सकते हो, नवंबर से ये बढ़ रहा है। ऑर्गेनिक सर्च पे अगर हम जाते हैं तो ये मूवी का कीवर्ड है, आप देख सकते हो ये मूवी कीवर्ड पे। इनका भी वेबसाइट में एनालाइज कर लिया, आप देखो मूवी कीवर्ड पे ये वेबसाइट रैंक है। अगर देखेंगे तो इसके अंदर बिजनेस, एजुकेशन और ये सब कैटेगरी है कंप्यूटर से रिलेटेड, बट यहाँ पर मूवी कीवर्ड रैंक है और 1 मिलियन का ट्राफिक आ रहा है। तो अब आपको आइडिया लग गया होगा कि कैसे अपनी वेबसाइट पर ट्राफिक लाना है, ठीक है। तो कैसे कंटेंट को रैंक कराना है, कैसे पोस्ट को वायरल कराना है, कैसे अपनी वेबसाइट पर ट्राफिक इंक्रेज कर सकते हैं, ये सारा कुछ मैं आपको बता दिया हूँ। अगर आपको फिर भी डाउट होता तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो बस आज के लिए इतना ही। हाँ, वेब करो चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर ब्लॉग रिव्यू 6 का पार्ट 2 आने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप उसको मिस मत करना। थैंक यू।